नमस्कार, मैं तनिषा अरोड़ा आपका आर्सन वुड्स में स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ आशीष मित्तल जी, नमस्कार, डायरेक्टर ऑफ आर्सन वुड्स, और आज हम बात करेंगे लिविंग रूम के फर्नीचर के बारे में। सो आशीष जी, मैं पहले इसको एक क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहूँगी। जैसे कि हम नॉर्मली मार्केट में देखते हैं कि हर एक वेंडर के पास 5 या फिर 7 मैक्सिमम 10 डिजाइन होते हैं, तो आर्सन वुड्स के पास इतनी ज़्यादा बड़ी रेंज कैसे है? मैडम, रेंज इसलिए है क्योंकि हम क्लाइंट्स की सुनते हैं। हाँ जी। सुनने का मतलब है क्लाइंट क्या चाहते हैं, हम उनकी बात को समझते हैं और हम कोशिश करते हैं कि जो वो चाहते हैं वो हम बना कर दें, और इसी वजह से रेंज इतनी बड़ी हो गई है क्योंकि हर डिजाइन में मॉडिफिकेशंस, कलर्स, फैब्रिक साइजेस, डिजाइंस की, और वो मॉडिफिकेशंस क्लाइंट के अकॉर्डिंग किए तो रेंज बढ़ती ही जा रही है। सर, मैं देख रही हूँ आज हमारे पास काफी सारे डिजाइंस हैं, सो आइए चलिए एक एक डिजाइन को आज कवर अप करते हैं। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल, इसी से स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है, आप देख रहे हैं। इसमें हमारे पास एक 4 सीटर, एक 3 सीटर, साथ में 2 चेयर्स, और ये हैवी डिजाइन्स में आता है, काफी हैवी डिजाइन है। आप बैठिए प्लीज किसी भी चेयर पर। आप देखिए कि कितना अमेजिंग लुक आता है जब आपका फर्नीचर हैवी महाराजा फर्नीचर होता है, और हैवी और लाइट क्लाइंट की चॉइस होती है जैसा वो चाहें, और अकॉर्डिंगली हम डिजाइन बनाते हैं। जैसा कि ये डिजाइन बना है तो 4 3 1 1। आइए नेक्स्ट मॉडल पे चलते हैं। बहुत ब्यूटीफुल डिजाइन। ये सेट है हमारे पास 3 सीटर, साथ में 2 चेयर्स, और इसमें साथ में है एक दीवान। दीवान को डे बेड भी कहते हैं, काउच भी कहते हैं, और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है। रेगुलर सेट से एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है। साथ में है इसमें एक टेबल 4x2 फीट की, टीक वुड, हाई ग्लॉस, और फैब्रिक एज पर क्लाइंट्स चॉइस। ओके सर, इस सोफा सेट का फैब्रिक बहुत ज्यादा प्यारा है, तो इसमें मतलब फैब्रिक कौन सा है, कौन सा यूज हुआ? ये स्वेड में है। अच्छा। और ये हमारा बहुत पॉपुलर मॉडल है। इसमें हमारे पास एक 3 सीटर, एक 2 सीटर, सिंगल चेयर और दीवान। ये दीवान इसमें छोटे साइज का बना है। अच्छा। जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया था कि हम कस्टमाइज करते हैं हर चीज, तो ये साइज जैसा क्लाइंट ने कहा, उन्हें छोटा साइज चाहिए था तो वो साइज बना है। तो एवरीथिंग इज कस्टमाइज्ड एज पर क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट। तो साइज, डिजाइन, कलर, फैब्रिक और नंबर ऑफ सीट्स जो भी क्लाइंट ने कहा, एंड डिलीवरी ग्लोबली इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया वेयर द क्लाइंट्स आर। ओके। ये हमारे हैवी कार्विंग के डिजाइन्स हैं। okay. मैं आपको दिखाता हूँ न्यू क्लासिकल डिजाइन है। अब ये डिजाइन देखिए, ये बहुत सिंपल डिजाइन्स में अगर मिनिमलिस्ट कहा जाए आपको तो वो ये डिजाइन है। बिल्कुल। और काफी कंफर्टेबल के साथ ये न्यू क्लासिकल मॉडल्स में आते हैं। इसमें कार्विंग कुछ खास नहीं होती, लेकिन कर्व्स और वुड आप पूरे देख सकते हैं जी। और ये है मैट फिनिश में, वॉलनट फिनिश। आप बैठिए प्लीज, देखिए कितना कंफर्टेबल सेट है। किसी भी जी, कहीं भी ऑफिशियल मीटिंग में जहाँ पर आपका ऑफिशियल सेटअप है, वहाँ उस तरह के सेट बहुत पसंद किए जाते हैं। और साथ में फैब्रिक तो आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल ऑफिशियल लुक वाला फैब्रिक इसका है। ये हमारा बहुत ही क्लासिकल डिजाइन है और हैवी कारिंग में है। इस सेट के अंदर कुशन बहुत कम होता है, जिसे आप देख रहे हैं सिर्फ सीट्स पर है। इसमें भी एक 3 सीटर, सिंगल सीटर, 2 हमारे पास, साथ में एक दीवान और एक टेबल। टेबल इसकी काफी डिजाइनर है, देखिए आप पूरा कर्व है इस टेबल में, काफी अलग डिजाइन की टेबल है। और हैवी कार्विंग जो वुड को बहुत पसंद करते हैं, टीक वुड में है अगेन, उनके लिए बड़ा अच्छा सेट है। साथ में कुशन वर्क इसमें काफी कम है कम्पेयर टू हमारे अदर डिजाइन। अच्छा सर, ग्लोस और मैट में ज्यादा अच्छा कौन सा होता है? मैडम देखिए, क्वालिटी सबकी एक है। सिर्फ टॉप लेयर जो होती है उसमें आपको शाइन चाहिए तो ग्लॉस होता है, और अगर आपको शाइन नहीं चाहिए तो मैट फिनिश हो जाती है। अच्छा। अच्छे की देखिए कोई परिभाषा नहीं है, क्योंकि वो पसंद की बात है। अगर मुझे चमक पसंद है तो मेरे लिए ग्लॉस अच्छा है। अगर मैं चाहता हूँ थोड़ा सा डल लुक में हो, बहुत चमकीला ना हो, चमक ना रहा हो, तो मैट फिनिश अच्छी होती है। तो क्वालिटी बहुत दोनों की सेम है, क्वालिटी में कोई इशू नहीं। ओके। अच्छा सर, मैं देख रही हूँ ये वाला सेट जो मतलब कुछ अलग है जी, इसमें पॉलिश या पेंट तो नहीं है, तो फिर क्या चीज यूज हुई है? ये गोल्ड लीफिंग में मैडम। अच्छा। देखिए जब हम लग्जरी सेट की बात करते हैं या फिर रॉयल्टी की बात करते हैं, तो इसमें सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे आती है गोल्ड लीफिंग। अच्छा। तो गोल्ड लीफिंग के बाद लग्जरी फर्नीचर में कुछ नहीं है, तो ये गोल्ड लीफिंग है। गोल्ड लीफिंग हमने पहले भी आपको मैंने दिखाई थी। तो चांदी का ऐसे वर्क होता है जो खाने की चीजों पर लगता है, ऐसे ही गोल्ड की लीफ आती है, लेकिन वो ओरिजिनल रियल गोल्ड नहीं होता, 0% गोल्ड होता है, आर्टिफिशियली मेड। उसकी लीव्स लगाई जाती है और ये पूरा बनाया जाता है। तो इसकी बहुत अच्छी ग्लॉस होती है, काफी अच्छी चमक होती है। और जहां भी पैलेस स्ट्रक्चर हो या पैलेस का सेटअप हो या आपको बहुत ही रॉयल सेटअप बनाना है, वहां पर गोल्ड लीफ बहुत यूज होती है। फर्नीचर पर, दीवारों पर, सीलिंग्स पर, डिजाइंस में गोल्ड लीफ काफी लगाई जाती है। दैट्स वेरी नाइस सर। जैसे मैं देख रही हूँ कि हर एक सेट में मतलब कुछ डिफरेंट है, तो जैसे हर एक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करना, उनके लिए अलग से बनवाना, सो इजंट इट डिफिकल्ट?
हाँ मैडम, डिफिकल्ट तो होता है, देखिए कोई भी काम इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, हर क्लाइंट के अलग रिक्वायरमेंट है, हर एक की अपनी समझ है, हर एक की अपनी पसंद है, तो उस सबको समझना, फिर बनाना और उनकी पसंद का बनाकर कंप्लीट करना, फिर घर पर डिलीवर करना है तो मुश्किल, लेकिन ऑलरेडी हम इतना 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 बना चुके हैं, क्योंकि हमारी वेबसाइट पे अगर आप टेस्टिमोनियल्स देखेंगे तो इतनी सारी आइटम्स लिस्टेड हैं, सब बन चुका है एज पर क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट, ऑल ओवर द ग्लोब डिलीवर हुआ है, तो ये प्रोसेस काफी स्ट्रीमलाइन अब हो चुका है। और एंड ऑफ द डे अगर आप समझें कि आसान काम तो कोई भी कर लेगा, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जो एंड में सेटिस्फेक्शन होता है कि क्लाइंट को उनके पसंद का सामान मिल गया, उससे बेटर कुछ नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे पास बहुत बड़ी रेंज है, तो अगर आप भी बनवाना चाहते हैं अपने चॉइस वाला फर्नीचर तो कॉन्टैक्ट कीजिए, नंबर आपके सामने है, और भी वैरायटीज को देखने के लिए आप सर्च कर सकते हैं artsandwoods.com। आप हमें यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं artsandwoods के नेम से, जहाँ पे आपको और भी ज़्यादा वैरायटीज के ऑप्शंस मिलेंगे। सो डू विजिट। थैंक यू। थैंक यू।